प्रश्न मेरे वीडियो बनाने की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ। जैसे ही मैंने वीडियो बना मेरे द्वारा कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, उसकी प्रतिक्रिया में वीडियो आया कि श्री कृष्ण का जन्म 2036 में होगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 1990 में मैं ज्ञान में आया और बाबा का विशेष वरदान डबल टीचर भव, भाइयों को मुरली सुनाने का अधिकार नहीं मिलता, परंतु मुझे 2 साल में ही मुरली सुनाने का अधिकार बाबा की तरफ से मिला कि मैंने मुरली सुनाना शुरू किया। क्योंकि एक छोटी सी कॉलोनी में निमित्त बने हमने वहाँ मुरली सुनाना शुरू किया और 1997 में मैंने पहली बार क्लास में चर्चा की मुरली में। जैसे मुझे समझ में आया कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो एक बहन भागती हुई बहन जी के पास गई जो क्लास में नहीं आई थी, क्योंकि उसको जाकर बहनों ने बताया कि आज भाई ने बताया है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। बहन जी भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया, आपने हमें बताया ही नहीं। मैंने भी बहन जी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मेरी बात को नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने हमें कोर्स कराया था, उन्होंने हमें समझाया था उल्टी बातें उल्टी गंगा कैसे बहेगी, इसलिए उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। खैर, वो तो जब भी उस प्रकार की मुरली आती जहाँ मुझे लगता कि ये कृष्ण के जन्म होने का है, जब मैं कोर्स कराता तो भी मेरे को लगता कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो इस बात को जाकर के आगे प्रैक्टिकल में सबूत रूप में दिया दादी प्रकाशमणि जी ने। अव्यक्त होने के बाद उन्होंने मेरे जो भी डाउट्स थे, जहाँ मेरे को डाउट लगता था, वो सारे डाउट दूर करने में जो सहयोग दिया वो दादी प्रकाशमणि ने दिया। इससे पहले कि मैं दादी प्रकाशमणि को लूँ, मैं आपसे सीधा सा एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, आपको क्या लगता है कृष्ण का जन्म कब होना चाहिए? इसको विचार करके देखो कि कृष्ण का जन्म कब होना चाहिए। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, जिस चित्र को आप सब ने देखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये झाड़ का चित्र है जिसके अंदर नीचे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, विष्णु खड़े हुए हैं, मम्मा बैठी है। ये संगम युग है। जब ये संगम युग पूरा होता है तो सतयुग शुरू होता है, और सतयुग जब शुरू होता है तो वहाँ पर राधा और कृष्ण को दिखाया है, और राधा और कृष्ण को युवा दिखाया है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि राधा और कृष्ण को युवा दिखाया है, और युवा होने के साथ साथ आप मुरलियों में इसको सुनते हो कि वेरी फर्स्ट डे राधा और कृष्ण का विवाह होता है, इन्हें राज गद्दी पर बिठाया जाता है और उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण, और तब से शुरू होता है वन वन वन। जो चित्र मुझे प्रदर्शनी समझाते वक्त लगता था कि मुझे ऐसे बताना चाहिए, तो मैं उन्हें बताता था, अब भी बताता हूँ। और हम यहाँ देखें संगम युग से पहले, क्योंकि संगम युग के बाद आग लगेगी ना, संगम युग से पहले हम देखें कि ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। अब जब ब्रह्मा बाबा कृष्ण समान सॉरी कमल पुष्प समान पवित्र बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, तब इधर दिखाया है
कि वो कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ये कृष्ण आग लगने से पहले पत्ता दिखाया है और यहां बड़ा साफ लिखा है सतयुग का पहला राजकुमार। जहां ये लिखा है वहां क्या सतयुग है? आम दुनिया कहेगी नहीं है, परंतु ज्ञानी बच्चे जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा है वो इस बात को समझ सकते हैं। संगम युग का मतलब ही है कि 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के। और बाबा मुरली में बड़ी सीधी स्पष्ट बात समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा एक पांव कलयुगी नाव पर है और एक पांव सतयुगी नाव पर है। जब तुम देह समझते हो तो कलयुगी नाव पर हो, जब तुम आत्मा समझते हो तो सतयुगी नाव पर हो। दो नाव पर चलेंगे तो चिरे जाएंगे, क्यों नहीं तुम सतयुगी नाव पर आ जाते। अब ब्रह्मा बाबा जब कमल फूल समान पवित्र हुआ तो क्या बनता है? क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, यही कहेंगे ना। तो हम ध्यान से देखेंगे, हमारे सामने मैं आज तीन मुरलियां आपको दिखाऊंगा जो मुझे अभी मिली हैं। ये 3 मार्च 2020 की मुरली है, अभी 3 मार्च 2020 की मुरली, जिसमें बाबा ने दिखाया है, मैंने उसको हाईलाइट किया है। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है। लक्ष्मीनारायण ने कहा हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं। बहुत साफ साफ ध्यान से देखें, राधे की पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे, पूरे 5000 वर्ष किसके कहेंगे? राधे कृष्ण के कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष काम हो जाते हैं, अंदाजा लगाया, अनुमान दिखा। यदि एक्यूरेट लिख दे ना बाबा 33, तो सारे के सारे फटाफट हिसाब लगा के दिन काल के सारा कुछ रख देंगे। इसलिए बाबा गोल मोल बात कर रहे हैं, 20-25 वर्ष काम हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। हमें ध्यान देना है, आम दुनिया को हम लक्ष्य दे देते हैं, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, परंतु बाबा हमें समझा रहे हैं हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण बनना, ठीक है। और हम थोड़ी सी दूसरी मुरली पर चलते हैं आगे। ये मुरली है तीन मार्च के बाद 9 मार्च की, नौ मार्च 2020 की ये मुरली है, दूसरी मुरली, जिस मुरली में बाबा ने दिखाया इनको, मतलब ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे कृष्ण की पुरानी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा को कह रहे हैं, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं,
अब तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, शिव बाबा ने तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। वंडरफुल लाइन, ध्यान देना। हम ध्यान से चूक जाता है एक शब्द तो सारा ज्ञान बिगड़ जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण बनेगा। नोट करें इस लाइन को, इन शब्दों को नोट करें। 9 मार्च की मुरली के इन शब्दों को नोट करें। ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण बनेगा। फिर मैं आपको चित्र की तरफ लेके चल रहा हूं। जब ब्रह्मा कमल फूल समान पवित्र हुआ, कब पवित्र हुआ, कब संपूर्णता को प्राप्त हुआ? जब पहला प्रजापिता ब्रह्मा का साकार रोल पूरा किया, दूसरा शंकर का रोल भी पूरा किया। अव्यक्त ब्रह्मा मीन्स शंकर, बिना अंगों वाला, बिना शरीर वाला रूप, जिसके द्वारा सारे संसार को परिवर्तन करने के लिए तैयारी का कार्य पूरा किया, जिसके लिए मुझे जब याद आता है कि मैंने बाबा के साकार बाबा के, मुझे डेट उसकी याद नहीं है, सॉरी, अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनने के लिए मैं मधुबन में था उस दिन, कि कौन सी डेट थी ये मैं अब नहीं बता पाऊंगा। जिसमें बाबा ने जो कहा वो मैं आपके सामने, मुझे याद है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। शिव बाबा ने कहा, दादी गुलजार के तन से बाबा आज बच्चों को एक हंसी की बात सुनाते हैं। क्या हंसी की बात सुनाई? कि ब्रह्मा बाबा को आया कि ये तो परिवर्तन नहीं हो रहा, बहुत समय हो गया, परिवर्तन तो हमने करना है, हमने ही संकल्प करना है कि सृष्टि का परिवर्तन हो। तो ब्रह्मा बाबा ने सब ब्रह्मा वत्सों को सूक्ष्म वत्न में इमर्ज किया और इमर्ज करके सबको कहा कि हमारे संकल्प से सृष्टि परिवर्तन होना है। कहो परिवर्तन। मैं देख रहा था, एक धुआं उठा और कुछ नहीं हुआ। ये बातें सुनने के बाद मेरी बुद्धि में चलने लगा, अभी ब्रह्मा संपूर्ण नहीं हुआ। 18 जनवरी की बात मुझे याद आई, 21 जनवरी को जब बाबा ने आके कहा कि ब्रह्मा बाबा ने केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया है, अभी भी सेवा में साथी है, अभी भी सेवा पर उपस्थित है, क्योंकि अभी संपूर्णता नहीं हुई। ये शब्द उसमें नहीं है, मेरे को लग रहा है कि अभी जब सेवा कर रहा है तो अभी संपूर्णता को पाना है। जब शंकर का रोल पूरा हुआ, ब्रह्मा का रोल पूरा हो गया, शंकर का रोल पूरा हुआ, तीसरे रोल में जब वो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है, तब वो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये तीनों रोल सूक्ष्म लोक में होते हैं, संगम समय पर होते हैं, ये तीनों रोल संगम युग से बाहर नहीं होते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। और जिसे बाबा ने मुरली में कितना क्लियर शब्दों में दिया है, ब्रह्मा सो विष्णु वाक श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, चाहे विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
क्योंकि एक सेकंड में बनता है। जैसे ही ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त करता है, एक सेकंड में विष्णु बना। विष्णु बनना माना श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना। अब श्री कृष्ण के रूप में जब विष्णु ने, विष्णु कहो या उसको श्री कृष्ण कहो, ठीक है, और वो क्या है उस समय, उस समय ये सोल कॉन्शियस हो गए, 100% सोल कॉन्शियस। जो 100% सोल कॉन्शियस है वो कहाँ है, वो सतयुग की नाव पर है। उसके लिए स्वर्ग है, उसके लिए नर्क का कोई मतलब ही नहीं। और मुझे मुरली की डेट तो याद नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने उसे कई बार पढ़ा है। कभी आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो कौन सी मुरली है जिसमें बाबा ने कहा जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो दुनिया में अपवित्रता होती है। एक तरफ अपवित्र दुनिया है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का जन्म होता है। बहुत ध्यान से देखना। अब आनन फानन में कह दिया गया कि श्री कृष्ण 2036 में जन्म लेगा। अब हम थोड़ा ध्यान से फिर वापस चित्र पर जाएं। 2036 में यदि कृष्ण जन्म लेगा तो 2036 का मतलब, वैसे तो बाबा ने कोई डेट बताई नहीं है, वो तो फिर भी अब बताने वाले को मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी जो भी मर्जी है वो बताएं, क्योंकि वो सब मेरे से बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, मैं उनको ही देख करके आगे आया हूँ और मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। यहाँ श्री कृष्ण को बड़ा दिखाया है, क्योंकि 1936 के बाद 111 होना है। यदि श्री कृष्ण 1936 में जन्म लेता है, यदि उनके हिसाब से संगम युग 2036 में ख़त्म होता है, तो उसके बाद चलना तो है ना, सतयुग का आरंभ होना है। कलयुग खत्म हो गया, संगम भी खत्म हो गया, तो सतयुग को शुरू होना है। अब उस समय जन्म लेगा कि उस समय वो बड़ा श्री कृष्ण होगा। विचार करें, एक बार पुनः विचार करें। श्री कृष्ण बच्चा दिखाते 2036 में, श्री कृष्ण को संपूर्ण युवा नहीं दिखाते। बहुत ध्यान से हमें इस बात को समझना है। श्री कृष्ण जन्म ले चुका, श्री कृष्ण संपूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त करता है और सतयुग की युवा अवस्था हम 150 साल एवरेज करें तो 37 साल, 30-32 साल इतना होना जरूरी है। क्योंकि इसको मैं उसमें 33 ले रहा हूँ। क्यों 33 ले रहा हूँ, क्यों मैंने 33 लिया है, क्योंकि बाबा ने कहीं 33 नहीं बताया, ये मैं अपनी तरफ से आपको जोड़कर बता रहा हूँ। उसका लॉजिक मैं दे रहा हूँ, वो लॉजिक ठीक भी हो सकता है, लॉजिक गलत भी हो सकता है, क्योंकि बाबा ने कहीं नहीं दिया है। उस लॉजिक को आपको अच्छा लगे आप उसे स्वीकार करें, लॉजिक अच्छा ना लगे आप भल स्वीकार ना करें, क्योंकि ये लॉजिक की उत्पत्ति भी हमारे सीनियर भ्राता निर्वैर जी के द्वारा एक दिन 18 जनवरी पर विशेष क्लास कराई जा रही थी। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है कि ब्रह्मा बाबा ने विल कब की थी, कैसे की थी, क्या किया था, परंतु निर्वैर भाई जी 18 जनवरी के महत्व को समझाते हुए बता रहे थे कि देखो कितना को इंसिडेंट है, मिरेकल है, वंडरफुल है कि 18 जनवरी 1936 को ब्रह्मा बाबा ने विल किया है और 18 जनवरी 1969 को उन्होंने शरीर त्यागा है। उन्होंने 33 साल का जिक्र नहीं किया,
परंतु मेरी बुद्धि में क्लिक हुआ 33 साल हो गए साकार ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने का, और 3 रोल प्ले करने हैं तो हर रोल 33-33 साल का हुआ। 33 साल साकार ब्रह्मा का रोल हुआ, 33 साल शंकर का रोल हुआ, 33 साल विष्णु का रोल, और फिर 1 साल परिवर्तन का। उसके लिए भी वंडरफुल है, मेरे को बहुत बहुत समय से ये रहता था कि हम कितना समय परमधाम में रहेंगे। बाबा कहते बस जाएंगे आ जाएंगे, ऐसा लगता था जाएंगे हाथ लगाएंगे आ जाएंगे। फिर हम परमधाम क्यों जाते हैं, हाथ लगाने भी क्यों जाते हैं, क्या कारण होगा, क्या सिस्टम होगा? मेरे को ये प्रश्न जब से ज्ञान में आया, जब से मैं ये सुना, जब से मैं कोर्स कराता था, बताता तो यही था कि हम तो जाएंगे बस हाथ लगाएंगे और आ जाएंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा ने उसके लिए भी बहुत अच्छा एक हमारे सामने मुरली दी। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, उससे 13 दिन पहले, 5 जनवरी 1969 की ये रात्रि क्लास है जो अब रिवाइज हुई है 16 अप्रैल 2019 को। 16 अप्रैल 2019 की ये मुरली है, इस मुरली को आप कहीं से भी ले सकते हैं। 16 अप्रैल 2019 इस मुरली के अंदर बाबा ने इस राज को खोला जिसको मैं यहाँ बोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, ये 5 जनवरी 1969 को बाबा कह रहे हैं। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। ध्यान से देख, उसके बाद बाबा और अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं, अंत में आएंगे, जो अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे और 1 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर आए। बहुत ध्यान से समझ, क्योंकि लास्ट आत्मा 1 साल पहले तक आएगी। और बाबा कह रहे हैं अपने लिए, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे, तो 1 साल कहाँ रहे? ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि 1 साल परम धाम में रहेंगे। संगम युग के 100 वर्ष को 3 रोल 33-33 साल और 1 साल हर आत्मा को परम धाम में रहना ही रहना है। किसी के 83 जन्म होंगे, 83-84 जन्म लिए, ये तो बच्चों को निश्चय है। तो ये है 5 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से। तो हमें समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण जन्म ले चुका है। बाकी थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको दे दूँ, अलग से भी वीडियो बना के डालूँगा। गर्भ महल का है, उसको आप अलग वीडियो में देख लेंगे कि गर्भ महल का राज दादी प्रकाशमणि ने कैसे खोला, कि बाबा मैं जब गर्भ में जाती हूँ, गर्भ से आती हूँ, आप मुझे ऊपर वतन में बुलाते हो, मुझे आने और जाने में कोई तकलीफ नहीं होती,
वहाँ भी मुझे कोई बदबू या परेशानी नहीं होती, यही गर्भ महल होगा ना। वंडरफुल। बाबा कहते बस यही बुद्धि चलाइए, रोक दिया। दादी हृदय मोहिनी ऊपर हैं, प्रकाशमणि हैं, बाबा हैं, जिन्होंने ये संदेश सुना होगा वो इसको समझ सकते हैं, नहीं सुना हो तो इस संदेश को आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दादी से पूछा कि आप आती कैसे हो, कहा गर्भ में भी हूँ, गर्भ से बाहर भी आ जाती हूँ। आप बच्चा पर जब बच्चे के रूप में जन्म ले लिया है तो वहाँ मैं उसको सुला देती हूँ या बाथरूम में बंद कर देती हूँ और मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि जब ये आ सकती है तो कृष्ण तो इससे बड़ा चालाक होगा, वो तो बहुत बड़ा है। जब दादी आ सकती है तो कृष्ण तो उसका बाप है ना, बड़ा है ना, वो तो बड़ी आसानी से आ सकता है, उसको कौन रोक सकता है। आत्मा शरीर को सुलाया, आत्मा शरीर से अलग हो गई। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वो आकर के अपना पार्ट बजा सकती है, उनके नजर में यहां आकर अपना पार्ट बजा रहा है। मैं समझता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप ज़रूर पूछेंगे, ताकि जितना मुझे बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है ज़रूर स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। परंतु मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें कहा है कि पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ ज्ञान सुना रहे हैं, मेरा ऐसा कोई ब्रह्मा कुमारी के विरुद्ध विपरीत ज्ञान देने की इच्छा नहीं। मेन मकसद हमारा अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का है, पवित्र बनाने का है। ये सत्य ज्ञान यह हमें समझ में आ जाएगा, हमारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएगा, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार कर सकेंगे। मेरे अनुमान से श्री कृष्ण लगभग 17-18 साल का ज़रूर होना चाहिए, और जब तक परिवर्तन होगा उसमें 1 साल है 5 साल है 10 साल है 15 साल है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये भी मेरा अनुमान है, कोई फैक्ट नहीं है। आपको लॉजिक ठीक लग रहा हो तो आप मान लें, ना लगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। कह लें फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैं तो अपने से आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को समझता हूँ। आप किसी भी संस्था से जाकर समझ सकते हैं, फिर भी ना समझ में आ रहा हो, प्रश्न हो तो 9213106986 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका जितना मेरे अंदर समझ है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। बाकी तो बाबा जाने, और बाबा का ओम शांति। आपका प्रश्न है सर्वशक्तिशाली परमात्मा ड्रामा में कैसे बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, यहां क्वेश्चन लगना है, कैसे बन सकता है ये बताओ, क्योंकि आज तक